बस लड़की और ट्रेन एक बार चली जाए ना तो दोबारा मिलती नहीं है, तो प्रसाद भी छीन लेते हैं। ये डंडा लगा 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 बच गया। अंदर मंदिर के लेके जाना चाहते हैं वो आप नहीं लेके जा सकते हैं। इसमें तो कोई लेडीज जा ही नहीं सकती। प्रसाद नहीं लिया है, नहीं। बारिश आ चुकी है और आंटी को देखो ट्रेन की पटरियों के बीच से निकल रही है। वाह। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये ब्लॉग होने वाला है खाटू श्याम बाबा का। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं खाटू श्याम और हम लोग जाएंगे ट्रेन से। तो पूरा सफर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, मतलब मेरे घर के पास नहीं, थोड़ी सी दूरी पे भरा हुआ है। तो जहाँ से हमें जाना है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो कैब हमने बुक करी थी वो कैंसिल हो गई है। तो कैब से अच्छा ना हम लोग मेट्रो से जाने वाले हैं। तो रेड लाइन से लेके सीधा हमें जाना है चांदनी चौक और वहां से 2 मिनट की दूरी पे ना आपको स्टेशन दिख जाएगा। तो फिर चलते हैं। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है तो आपको इस तरह से टोकन मिलेगा जिसका प्राइस है 30 रुपये और ये सिर्फ चांदनी चौक तक जाने का ही है। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं या फिर कहीं और जाना चाहते हैं तो उन सबका अलग अलग रेट है। तो आपको कैसे करना है, जिस तरह से आप मेट्रो कार्ड जो होता है उसको हम इस तरह से लगा देते हैं, लेकिन उसका यूज हमें ऐसे नहीं करना है। वहाँ पर ना मशीन होगी और मशीन के पास आपको जो ये स्कैनर आप देख रहे हैं उस लगाना नहीं है, दिखाना है और फिर आप आगे जा सकते हैं। टिकट है ये सिर्फ एक तरफ की ही है, मतलब अगर आपको एक तरफ जाना है तो दूसरी तरफ से आप आ नहीं सकते। जैसे कि मेट्रो कार्ड होता है उसे आप दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। कृपया इस QR को प्रवेश द्वार पर 60 मिनट के भीतर ही दिखाएं, मतलब 1 घंटे के अंदर ही अंदर ना आपको ये दिखाना है। अगर 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा भी। तो ये थी हमारी टिकट। ग्रीन लाइट हो गई। मुझे सबसे सेफ मेट्रो लगती है। आप कितनी भी रात में आ रहे हो, कितनी भी सुबह आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, ये मेट्रो का क्या होता है कि ये आपको सेफ जगह छोड़ेगी और यहाँ पे आपको जगह जगह पुलिस मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा और बाहर बस ऑटो का क्या होता है वो आपको कहीं भी छोड़ देते हैं और रात में आप अकेले नहीं आ सकते हो। तो अभी 10:30 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन है 11:30 बजे की। तो यहाँ पर टोकन डालने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो आपने टिकट लिए ना स्कैनर वाली वो आपको दिखानी है। तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और टाइम से पहले ही आ गए हैं क्योंकि लेट हो नहीं सकते थे। अगर लेट हो जाते ना तो हमारी ट्रेन चली जाती। तो हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो हम लोग ऊपर आए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। तो इतनी ऊपर आकर हमें वापस से नीचे जाना है। और यहाँ पे लिखा है अपर क्लास AC वेटिंग हॉल। तो जो भी AC वाले लोग हैं जो वेट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। बताओ यार, अंदर बैठने के लिए भी, वेट करने के लिए अपनी ट्रेन का आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है हम अपनी ट्रेन के पास ही चले जाते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़े से लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है और अब बज चुके हैं 10:44। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और हमारी ट्रेन यहीं पे खड़ी हुई है और अभी बहुत टाइम है हमारी ट्रेन को चलने के लिए, लेकिन ट्रेन के पास आना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर ये निकल जाती तो फिर हम क्या करते, हमारी ट्रेन पूरी मिस हो जाती और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। इसलिए हमने सोचा कि ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं, पसीने वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि AC वाली ट्रेन है। तो हम लोग अपने कोच में पहुंच चुके हैं और काफ़ी सफाई है और ज़्यादा लोग अभी आए नहीं हैं, आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इन लोगों ने चद्दर भी बिछा दी है और पोछा भी लगा हुआ है और हमने अपनी सीट भी ले ली है। और ये कौन है, और इस पर लिखा है गाड़ी खड़ी करने के लिए हैंडल खींचिए। मुझे नहीं पता कि यही वाला है कि कोई दूसरा वाला है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप इसको खींच सकते हैं। अगर आपने ऐवे ही खींच दिया ना तो आपको देना होगा 1,000 रुपये और 1 साल की सजा आपको मिलेगी। तो ये है हमारा जिगरी बैग, जहाँ हम जाते हैं वहाँ ये बैग भी जाता है। तो इसके अंदर हम लोग खाने पीने की चीज़ लेकर आए हैं। तो क्या देख रहा है, पता नहीं, पता नहीं?
तो इसमें है चाय और ये ली है कर्ल्स स्नैक लाइट और ये भी है स्नैक लाइट और ये इसके साथ नहीं है, ये इसके अलग घर से आया है। तो ये दोनों ही अलग हैं, एक है स्पाइसी वाला और एक है मसाला वाला। पॉपकॉर्न और कुछ ठंडा ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमने ली है अमूल कूल की बादाम ड्रिंक और ये कौन सी है, हाँ ये है फेंटा और ये है स्मूथ। इसका जो टेस्ट है वो कॉफ़ी जैसा ही आता है। एक है कोक और एक है फ्रूटी और ये है लाइट मिक्सचर। ये ना मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर आपको चने मिलेंगे और जो चिवड़ा पोहा जिसे बोलते हैं वो बहुत ही करारा होता है, बूंदी होती है। और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बिस्किट और ये है टॉफी जो है चटमूला। आखिर में आता है चॉकलेट बिस्किट। तो ये है खाने पीने की चीज़ें। अरे कौन बोलता है इसे? और यहाँ से आ रही है एकदम ठंडी ठंडी सी हवा। इसने मेरे बालों को इतना ठंडा कर दिया ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे बालों के ऊपर बर्फ रखी हुई है। कहाँ जा रहे हो तुम? नीचे। नीचे? अथरु? ऊंट के दारू खड़े होके। खड़े होके? हम काटू शाम जा रहे हैं। जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल हमारा दिल ए सी वो नहीं है बाबू, ए सी ये है, इसमें से आ रही है हवा। तुम हाथ नहीं डालते? नहीं नहीं, उसमें हाथ नहीं डालते। तो मैंने बोला करंट लग जाएगा, इसमें हाथ मत डालते। नहीं, ऐसी चीजों पे हाथ नहीं डालते, ठीक है। हाँ, तो चादरें आनी शुरू हो चुकी हैं तो अभी नीचे वालों को ही मिली हैं। और अभी बज रहे हैं 11:24, हमारी ट्रेन बस 7 मिनट में चलने ही वाली है। तो मैंने सोचा क्या करे, कैमरा खोला और इस तरह से मैंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया और फोटो बहुत ही बढ़िया आई थी। तो एक बार ना आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। हमारे पास भी चादरों के पैकेट आ चुके हैं और इस पे लिखा है इस पैकेट में 2 चादर और 1 तौलिया मिलेगी। इसमें टोटल आपको 4 चादरें मिलेंगी लेकिन 4 आपकी नई होंगी, 2 आपकी होंगी और 2 सामने वाले की होंगी। लेकिन इसके अंदर कोई तौलिया नहीं है, शायद वो बाद में आके दें। तो अभी फिलहाल चादर मिल चुकी है, चादर को बिछा लेते हैं। 12:15 हो चुके थे और सब ने अपनी अपनी लाइटें बंद कर ली थी और ये अब हम लेने आए हैं तकिए के कवर। अब तकिए के ऊपर भी कवर लगा लेते हैं। वैसे तो मैंने तकिया नहीं लगाया था क्योंकि तकिया ना बार बार पीछे की साइड को सरक रहा था। और अब आ चुके हैं टीटी और इसी बीच हमें मिलती है तौलिया और एक जने को मिलेगी 1 तौलिया और काफी साफ लग रही है ये। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। अब लाइट भी बंद हो गई है, ट्रेन भी चल चुकी है। अब मैं आपको मिलूंगी सुबह, गुड नाइट। अभी हो रहे हैं 6:12 और ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हो। तो बस हम थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं और इस तरह से जो वीडियो बन रही है ना, ये वीडियो मैंने खुद ने बनाई है। लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम गाने देखते हैं और गाने के पीछे जिस तरह से वो वीडियो दिखाई जाती है, और इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं रियल में नहीं देख रही हूँ, इसको मैं फ़ोन लैपटॉप इन्हीं चीज़ों में देख रही हूँ। क्या आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है? तो हम लोग पहुंच चुके हैं रिंगस, तो हमारी ट्रेन रुकने ही वाली है। और अब बज चुके हैं 7:12 और सब ना अपनी अपनी सीटों से उठ चुके हैं, अपने बैग उठा लिए हैं कि जैसे ही ट्रेन रुके हम बाहर जाएं। तो यहाँ से हमें जाना है बाहर और यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी आ रही थी। तो इस तरह से आपको जाना है बाहर की तरफ और यहाँ पर इतना अंधेरा है, मतलब आप रात में यहाँ पे आ ही नहीं सकते हो। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप ज़्यादा डर जाओगे, एक लाइट तक नहीं है यहाँ पे। तो रात का सफ़र जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए ट्यूबलाइट जल रही है, लेकिन रात का चाहे ट्यूबलाइट जले, मोमबत्ती जले, कुछ भी जले, लेकिन रात का सफ़र यहाँ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
तो अगर आप रात में आते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल भी मत जाना जहाँ हमें ट्रेन ने उतारा था, वहाँ से ये पास पड़ता है। अगर आपको ट्रेन ने कहीं और उतारा है, अगर थोड़ी दूरी पे है, तो आप आलस ना करके वहीं से चले जाएं। ये लो भैया पोपट हो गया, इतनी ऊपर हम लोग चढ़ के आए। ऊपर आके हमें पता चलता है कि हम जहाँ से गए थे वहीं से वापस आ गए हैं। तो बाहर जाने का दूसरा रास्ता है, तो सब लोग ऊपर गए थे, अब सब लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और जो लोग ऊपर जा रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं कि वो रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही, तो सब बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और ये देखो दोनों ही कितने छोटे हैं, और हाथ में कितना छोटा सा बच्चा है उसको लेके कहाँ पटरियों के पास खड़ी है। तो आपको अब इससे आगे नहीं जाना है। अगर आप आते हो तो आपको इस तरह से नीचे की साइड को फिर अंदर की साइड को जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगी एक महिंद्रा, मतलब ऐसी बहुत सारी और भी कार मिलेंगी आपको। और ये रिंगस से आपको सीधा लेके जाएगी खाटू श्याम तक। अब अंदर नहीं, 5-10 मिनट की दूरी पर ये उतार देगी जहाँ पर लिखा रहता है श्री श्याम शरणम। और एक जने के जो ये पैसे ले रहे हैं वो है 50 रुपये, तो इन्होंने पूरी सवारी भर ली है। और यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको बहुत सारी कार मिलेंगी और जगह जगह आपको दुकानें मिलेंगी। चाहे तो आप झंडा ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, जूस पी सकते हो। और यहाँ से अगर आप पैदल जाते हो जैसे कि और भी बाकी लोग जा रहे हैं, तो इनको कम से कम 2 से 2.5 घंटा आराम से लग जाएगा। और अगर आप इस तरह से गाड़ी करके जाते हो तो आपको 15 या फिर 20 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। और जो ये रोड है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा था, जिसकी वजह से वीडियो पूरी हिल रही थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं श्री श्याम शरणम में, और रिंगस से आपको गाड़ी यहीं तक छोड़ेगी, इससे आगे नहीं लेके जाएगी। इससे आगे जाने के लिए आपको बैटरी रिक्शा या फिर रिक्शा ही मिलेगा। और यहां से रिंगस तक जाने के लिए आपको बैटरी रिक्शा नहीं, ये गाड़ियां ही मिलेंगी। और रिंगस से यहां तक आने में हमें 25 मिनट लगे हैं, और कुछ लोग तो पैदल ही आ रहे हैं तो उन्हें 2 से 2.5 घंटा लग सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कितने धीरे या फिर कितनी तेज़ चल रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं और रिक्शा ढूँढ लेते हैं। और यहीं पर आपको लाइन लगाकर बहुत सारे रिक्शा मिल जाएंगे, लेकिन जो उनके रेट हैं वो थोड़े से अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ढाबे भी मिलेंगे, क्योंकि यही आने का और जाने का रास्ता है। क्या? 2 रुपए लूंगा। तो मेरी तरह किस किस को ये सुनाई दिया है कि अंकल ने ये बोला है कि 2 रुपए लूंगा? 2 रुपए लूंगा, मेरे को तो 2 रुपये ही सुनाई दिया था पहले, फिर अंकल ने बोला कि 100 रुपये लूँगा। तो बहुत से रिक्शे वालों को ये लगता है कि ये बहुत दूर से आए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है कि कितनी दूरी पे है या फिर कितनी पास है, तो वो ना एकदम हाई रेट बता देते हैं। वैसे तो इनके हाई रेट नहीं थे, तो हम लोग सोचे थोड़ी सी आगे निकल जाते हैं, खपत अंकल बोल दे के रुक जाओ चलता हूँ, तो हम लोग रुक गए थे। हम लोग सोचे चलो छोड़ो यार, 100 रुपये में कुछ नहीं जा रहा है, शायद दूर हो सकता है। और फिर जब हमने पीछे मुड़ के देखा ना, तो अंकल आ ही रहे थे, शायद वो कम में कर देते। तो अंकल हमें जिस रास्ते से लेकर गए थे वो थोड़ा सा ना ख़राब सा रास्ता था, मतलब यहाँ पे पानी भरा हुआ था, इतना पानी नहीं भरा था लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। और जो रोड था वो भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा रोड था, इस तरह से ना जो रिक्शा था वो पूरा हिल रहा था, दोची मतलब जो गड्ढे होते हैं उसमें से बार बार उछल उछल के जा रहे थे, तो लग भी रही थी। तो वहाँ से यहाँ तक आने का सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता था, और 10 मिनट के उन्होंने लिए हैं 100 रुपये। और कुछ लोग वहाँ से यहाँ तक पैदल भी आ रहे हैं, ये देखिए। और अंकल ने हमें बाहर ही उतार दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अंदर हम ये रिक्शा नहीं लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से हमें पैदल ही चलना है। तो अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं, और इस भक्त को देखिए, ये घर से ही हाथ जोड़ते हुए आ रहा है। हम लोग स्टेशन पर भी थे ना, मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर भी इसने हाथ जोड़ लिए थे। अत्रु आगे देख, आगे आगे
अब यहाँ से हम पूछते हुए अंदर जा रहे हैं कि मंदिर यहाँ से कितनी दूर है। और ये देखिए यहाँ पे मोर भी है और इतनी तेज तेज इसकी आवाज आ रही है, टू टू। इस तरफ है श्याम कुंड का रास्ता, तो साइन बना हुआ है। अंकल ने भी सही कहा था कि वो अंदर रिक्शा नहीं लेके जा सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अरे इन्होंने तो हमसे पैसे भी ले लिए और यहीं तक उतार दिया है, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं है, आधे लोग जा रहे हैं तो आधे लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर रिक्शा नहीं चल सकता है। अगर चलेगा ना तो रोज़ ही लड़ाई होगी, जाम लगेगा, लोग फिर धक्का मुक्की करेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, अरे भैया आगे निकालो, अरे भैया यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। तो अब हम लोग यहाँ पे रूम ढूंढ रहे हैं। हमने एक रूम पूछा था कि यहाँ पे रूम खाली है या फिर नहीं खाली है, तो उसने कह दिया कि यहाँ पे राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो शाम से पहले आपको रूम नहीं मिल सकता है। अब पता नहीं कि यहाँ पे आएंगे या फिर जो उसका होटल है उसके अंदर जाएंगे। तो हमने एक रूम ले लिया है, उसी के बराबर में एक मंदिर और है, प्राचीन शिवालय खाटू श्याम। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है। चलो ये अच्छा है कि हमें रूम ना ज़्यादा दूर नहीं मिला है, मंदिर बिल्कुल आगे वाली गली में ही है। तो अब पर्दा खोल के मैं भी नज़ारा देख लेती हूँ बाहर का, और आपको भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए नीचे भी काफ़ी भीड़ है, मंदिर की भी है, और मंदिर के बगल में कचौड़ी की दुकान है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी बज रहे हैं 8 और ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है, लेकिन ऊपर से ही धूप दिख रही है, नीचे से इतनी नहीं दिख रही है। तो अब आपको पूरा रूम दिखा देती हूँ। ये है टीवी, पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, वो भी आपको दिखा दूंगी बाद में। और टीवी के नीचे आपको मिलेगी टेबल, और टेबल के ऊपर रखा हुआ मिलेगा साबुन। तो कुछ लोग तो इसको यूज़ नहीं करते हैं और कुछ लोग इसे अपने साथ ही ले जाते हैं, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपना सारा सामान खुद साथ लेकर आए हैं, तो इनका साबुन रख देते हैं। और यहाँ पर मिलेगा एक सोफ़ा जिसपे हमने अपना सामान रख दिया है, ऑल आउट मिलेगा। और ये एसी है जिसकी अभी ठंडक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और ये एक बंदर कूदा कूदा कूद गया। तो अगर आपके रूम में पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, या फिर आपको कुछ खाना है, तो यहीं से एक नंबर डायल कीजिए, आपको नीचे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग आ गए हैं रूम में, अब हम लोग नहाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये देखिए टीवी चल रही है, एकदम सही सलामत है, और सब जगह बाढ़ आ रखी है, और स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं। तो मेरे पास है कल्स और कोक। तो मैंने रात में खाना 7:30 और 8 बजे ही खाया था, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 11:30 बजे की थी, तो हमने सोचा घर से खा के ही चलते हैं, अपनी भूख को हल्का सा शांत कर लेते हैं। मुझे भी दे दे भाई इसको ना, कोल्ड ड्रिंक इतनी पसंद है, एक बार इसने मुंह लगा लिया ना बोतल में तो ये सारी खत्म करके ही देगा। लोगों को चाय पसंद है और मुझे पेप्सी पसंद है, और इसने मेरी पेप्सी तो पी ली है, साथ में ये पी रहा है अमूल कूल ड्रिंक। तो जरा मुझे भी टेस्ट कराना। अब फोन को लगा देते हैं क्योंकि बैटरी होना जरूरी है। और जहाँ पर हमने रूम लिया है वहाँ से बस थोड़ी सी ऐसे करके जाओगे और ऐसे करके मुड़ जाओगे ना, बस वहीं पे आपको खाटू श्याम जी का मंदिर मिल जाएगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा मेकअप चेकअप भी कर लेते हैं, वैसे मैं करती नहीं हूँ। तो मेरे पास है आईलाइनर, 2 तरीके की लिपस्टिक है, इयररिंग्स हैं, और लिपस्टिक मेरे पास 2 शेड में है, एक है पिंक और एक है ब्राउन। सोच रहे होंगे कि क्रीम कहाँ है, तो क्रीम मैं अप्लाई अपने फेस पे नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर ही लगाती हूँ। तो मैंने आईलाइनर लगाया था तो एक आँख में सही लग जाता है, दूसरे आँख में नहीं लगता है, और आँखों के ऊपर भी लग जाता है। तो मेरे साथ ही नहीं, हर लड़कियों के साथ ये होता होगा। और पूछते ना, मेरे दोनों ही हाथ इतने ख़राब हो चुके हैं आईलाइनर से, पता नहीं क्यों नहीं लग पाता है। अब सोच रही हूँ कौन सी वाली लिपस्टिक लगाऊँ, ब्राउन की पिंक, क्योंकि जो मेरी चुन्नी है वो है पिंक कलर की, ये रही। और ब्राउन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरा सूट है उसके अंदर हल्का सा गोल्डन कलर है, तो मैंने सोचा ब्राउन लगा लेते हैं, लेकिन मैंने पिंक लगाई है। और जो ये आप सामने पिंक कलर का देख रहे हैं ना, ये कोई मंदिर नहीं है, पहले हमें भी यही लगा था कि ये मंदिर है, हम इसमें भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन आप पास से एकदम फोकस करके देखना, यहाँ पर लिखा है हवेली, तो ये भी एक होटल है। अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 10:11-12 बजे तक धूप शायद आ सकती है। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं ही नहीं सब तैयार हो चुके हैं, तो अब अपने घर का, तो इसे अभी अपना ही घर बोलेंगे क्योंकि इसमें अभी हम लोग हैं, और इसका ताला लगा देते हैं। और अब चलते हैं लिफ्ट की तरफ, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट के साथ साथ जीने भी हैं अगर आपको जीने से जाना है तो। अब नीचे आ चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं यहाँ से टी शर्ट ले लेते हैं,
और यहाँ पर टी शर्ट कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 150-200 इनका ही यही प्राइस है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग कचौड़ी खाना पसंद कर रहे हैं। हम लोग जब आए थे तब भी भीड़ लगी हुई थी और अब भी यहाँ पे हर कचौड़ी की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, तो हमने यहाँ से टी शर्ट ले ली है और ये टी शर्ट है 150 रुपये की। तो अब चलते हैं आगे और अब यहाँ से हम ले लेंगे प्रसाद। और यहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़े मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको छोटे पेड़े नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े से पेड़े मिलेंगे जो 2 के बराबर 1 है। और जो सबसे मेन प्रसाद है चूरा, जिसके अंदर किशमिश ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भी लिया है। और अब हमें पता चला है कि ये एग्जिट गेट है, एंट्री गेट नहीं है। पहले हमें यही लगा था कि ये कितना पास मंदिर हमें मिल गया है। जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं तो वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो अब हमें यहाँ इस तरफ से जाना है एंट्री गेट के लिए। तो एंट्री गेट पे जाने के लिए सबसे पहले हम टीका लगवा लेते हैं और यहाँ पर आपको जगह जगह टीका लगाने के लिए मिल जाएंगे। तो अब श्याम बाबा के लिए हम गुलाब ले लेते हैं और गुलाब भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम खिला हुआ है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपये का गुलाब है। तो पहले हमें लगा कि यहाँ से हमें एंट्री करनी है, लेकिन लोगों ने कहा कि आगे से जाना है, तो हम आगे चलते हैं। तो अब ले लेते हैं फूल माला। यहाँ पे आपको गुलाब की फूल माला मिलेगी, गेंदे की फूल माला मिलेगी, तो हमने ये वाली फूल माला ले ली है। तो हमने गुलाब, फूल माला और प्रसाद ले लिया है और यहाँ पर आपको जगह जगह, यहाँ तक कि नाली के अंदर तक लोगों ने जूते चप्पल डाल रखे हैं और इस तरह से ये बीच में खड़े हो जाते हैं और ज़बरदस्ती टीका लगाने लग जाते हैं। अगर आप धर्मशाला में हो, होटल में हो, रूम में हो, जहाँ भी हो, तो अपने जूते चप्पल वहीं पर उतार के आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि यहीं से आप एंट्री ले रहे हो तो एग्ज़िट भी आप वहीं से लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी आपको जगह जगह प्रसाद मिल जाएगा, श्याम बाबा का झंडा मिल जाएगा, इत्र मिल जाएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं एंट्री गेट के पास, मतलब एंट्री यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से हमें और भी अंदर जाना है। और इसके अंदर जाते ही आपको तो फिर और भी ज़्यादा चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आपको शिकंजी पीनी है, प्यास लग रही है, और यहाँ पे मैं ऑटो जाते हुए भी देख रही हूँ, मतलब बैटरी रिक्शा जाते हुए भी देख रही हूँ, शायद ये आधे रास्ते तक छोड़े या फिर ये कहीं और जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ तक जाते हैं मंदिर तक या फिर नहीं जाते। और कुछ लोग तो भागते हुए जा रहे हैं। और नंगे पैर रेत पे चलने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं है, अगर होंगे तो वह आपके पैरों पे चुभ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कंकड़ पत्थर हैं। और कुछ रोड ना यहाँ पे ख़राब भी हैं। तो चलते चलते हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और ये आंटी हमसे भी तेज़ चल रही हैं, देखिए कितनी तेज़ चल रही हैं। तो हम लोग रूम से निकले थे 10:09 पर और अभी बज रहे हैं 10:42। यहाँ पर भी कितने सारे चप्पल जूते उतरे हुए रखे हैं कोने कोने पर। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ से एंट्री होगी और एग्ज़िट कहीं और से ही होगी। अभी सारे के वापस लेने आएंगे वहाँ से, तो हम लोगों ने भी एंट्री कर ली है। अरे यहाँ पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सिर्फ एक ही या फिर दो ही लाइन में लगे हुए हैं सारे लोग। तो हम लोग लाइन में लग चुके हैं और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। ये पंखे हैं इतने बड़े बड़े, जिस तरह से हेलीकॉप्टर में लगा होता है ना पंखा, बस उसी तरह से लग रहा है ये, लेकिन बहुत ही धीरे चल रहा है। इतने बड़े बड़े पंखे हैं और ये देखिए मेरे पीछे, और ये चल भी नहीं रहा है और भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्या भीड़ है ही नहीं, सिर्फ एक ही लाइन में लोग लगे हुए हैं। और जो आप गुलाब लोगे, फूल माला लोगे, नारियल लोगे, वो आपको कुछ भी चढ़ाने नहीं देंगे, आपको सिर्फ प्रसाद चढ़ाने देंगे। और उन्होंने ये बोला है कि गनीमत समझिए कि हमने आपका प्रसाद नहीं लिया है, नहीं तो प्रसाद भी छीन लेते हैं। और वीडियो ना क्यों ना, यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं। तो जैसे ही आप दूर से पास आते जाओगे तब जाके आपको कहीं आगे जाके भीड़ मिलेगी। और ये देखिए अब लाइन एकदम रुकी हुई है और यहाँ एकदम टाइट सिक्योरिटी कर रखी है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही अच्छी कर रखी है कि इन लोगों ने जगह जगह ग्रिल लगा रखी है, इससे लोग लाइन में हैं, एक दूसरे के पीछे भी चल रहे हैं। अगर ये ग्रिल नहीं होती ना तो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते। ये आंटी ने मेरे को घूर के देख रही हैं, तो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, धक्का मुक्की करते, भाई पीछे हो, भाई आगे हो, ऐसा करते।
और जो लोग नारियल ले लेते हैं वो लोग यहाँ पे बांध देते हैं क्योंकि अंदर चढ़ाना अलाउड ही नहीं है, तो अंदर लेके जा नहीं सकते हैं, तो ग्रिल में यहाँ करावे से बांध देते हैं या फिर कपड़े में रख के बांध देते हैं। और कुछ लोगों के नारियल तो नीचे कोने में रखे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ग्रिल पे ना सबने नारियल बांध रखे हैं। अरे ही भक्त इतने प्यार से बाबा के लिए गुलाब लेके आते हैं, फूल माला लेके आते हैं, इत्र लेके आते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी चढ़ाने नहीं देते हैं। अगर चढ़ाने ही नहीं देते हैं तो इसे अच्छा बोर्ड पे बाहर लिख दें ताकि कोई लेकर ही ना आए, बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड आपसे ले लेता है। और ये लग रहा है कूलर, इसमें ऐसे हवा तो अच्छी आ रही लेकिन थोड़ा सा और नीचे होता तो और भी अच्छी हवा आती, इन लोगों ने इतना ऊपर जो कर रखा है इसको। और ये देखिए इनके हाथ में डंडा है, जो लोग ऊपर खड़े होकर रुक रहे हैं और फोटो वीडियो क्लिक कर रहे हैं तो ये उनको डांट रही हैं, डंडा दिखा के हल्के से ना छुआ रही है, मतलब मार तो सकती नहीं है, छुआ रही है। अब ये मैं कह नहीं सकती कि मार सकती है नहीं सकती है, अब वो उनके हाथ में है। तो मुझे लगा कि ऊपर से होते हुए फिर नीचे जाना है, फिर मंदिर के अंदर एंटर होंगे हम लोग, लेकिन जो लोग ऊपर से जा रहे हैं वो एग्जिट की तरफ को जा रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ को निकल रहे हैं। इन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। तो ये है खाटू श्याम बाबा का मेन मंदिर, इसके अंदर हमें जाना है। पहले तो मुझे लगा कि हमें ऊपर से नीचे उतर के फिर मंदिर में जाना है, लेकिन जो ऊपर जा रहे हैं ना वो बाहर जा रहे हैं दर्शन करके। और ये देखिए एक कोने पे कितने सारे नारियल पड़े हैं, कलावे से लिपटे हुए हैं, और यहाँ पर झंडे भी बहुत सारे रखे हैं। शायद जो पहले चढ़ाते थे ये उनके नारियल हैं, या फिर जो गलती से अंदर लेकर आ गए हैं उनके नारियल हैं, पता नहीं किसके नारियल हैं, लेकिन अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो इन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, अब ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर यहाँ से ये लोग बाहर जाएंगे। और बाहर से ही कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ठीक से वीडियो नहीं बनाने दे रहे, मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। लंबी लाइन में इंसान लगता है कि अच्छे से भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो ठीक से देखने भी नहीं दिया, यहाँ तक कि अंदर प्रसाद भी नहीं चढ़ाया है। अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो आप यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं, इन्होंने भी चढ़ाया नहीं था, इन्होंने कहा प्रसाद यहाँ पे निकाल के रख दो। और इतनी तो भीड़ भी नहीं थी जितनी जल्दी इन्होंने बाहर निकाल दिया है, अच्छे से दर्शन भी नहीं करने दिए। और ये देखिए कितने सारे भक्त यहाँ से, देखिए सबके हाथ में गुलाब है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये अंदर जा भी नहीं पाएंगे और जाने से पहले ही इनके हाथों से गुलाब ले लिए जाएंगे। यहाँ तक कि आपको कोई दुकान वाला भी नहीं बताएगा कि अंदर अलाउड नहीं है, अगर बता देगा तो बेचारे की बिक्री कैसे होगी। और बाहर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, जो भीड़ है सिर्फ फोटोज़ खिंचवाने के लिए ही है। और बाहर निकलते ही आपको इतनी सारी दुकानें मिलेंगी कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किस दुकान से लें और क्या लें। आपको बहुत ही छोटे बच्चों के कपड़े तक मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब कुछ खा लेते हैं, और ज़्यादातर लोगों को हमने यहाँ पे कचौड़ी खाते हुए ही देखा है, तो कचौड़ी भी ट्राई कर लेते हैं। और ये है यहाँ का मेन्यू, मैं भी पढ़ लेती हूँ, आप भी पढ़ लो। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ खाने के लिए मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता कि जो लिखा हुआ है वो मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो हमने ऑर्डर दे दिया है, कचौड़ी का दिया है जो हमने सुबह से देख रहे हैं सब खाते हुए, शाही पनीर का दिया है और बटर रोटी का दिया है।
और ऑर्डर दिए हुए काफी टाइम हो चुका है और अभी तक हमारा खाना नहीं आया है। खाने से पहले हमें चाय मिल गई है ताकि हम उठ के भाग ना जाएं। चाय देखने में तो सही लग रही है लेकिन पीने के बाद पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और आ चुकी हैं कचौड़ियाँ और कचौड़ी के अंदर हमें मिली है कड़ी। मुझे नहीं पता था कि कचौड़ी के अंदर कड़ी मिलती है। यहाँ पे मुझे लगा था कि कचौड़ी के अंदर आलू की सब्जी मिलती है। कचौड़ी चाहे आलू की सब्जी से हो या फिर कड़ी की सब्जी से हो, मुझे कचौड़ी पसंद ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये अभी बहुत गर्म है इसलिए फूंक मार के खा लेती हूँ, क्योंकि जो गर्म गर्म चीज़ें होती है ना, मेरे को हिचकी आनी शुरू हो जाती है। चाहे गर्म हो या फिर मिर्च वाली हो या फिर मैं जल्दी जल्दी खा लूँ, तो मुझे अब लगने लगा है कि मुझे हिचकी आने ही वाली है। ये लीजिए, हिचकी का नाम लिया और हिचकी आ गई। मैं 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिर्च है। ये देखिए, इतनी मैंने छोड़ दी है। जो कड़ी है ना, उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा मिर्च है और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो टेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा है। तो अब चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय का जो टेस्ट है उसे ठीक कह सकते हैं, अच्छी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना ही अदरक का टेस्ट है ना ही इलायची का टेस्ट है। शायद मुझे मिर्च लग रही है इस वजह से ये अच्छी लग रही होगी। तो सब्जी से पहले रोटी आ चुकी है। तो हमने यहाँ पे 2 तरीके की रोटी मंगाई है, एक है तंदूर बटर रोटी और एक है तवा बटर रोटी। और ये देखिए, बटर भी ठीक से इन लोगों ने नहीं लगाया है, सिर्फ बीच बीच में घी लगा दिया है और नाम रख दिया है बटर रोटी। और ये आ चुकी है शाही पनीर, जो कि फुल प्लेट है और ये फुल प्लेट कहीं से भी नहीं लग रही है। तो अब सब्जी को प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि ये लोग सलाद भी नहीं देते हैं। अगर आपको अलग से सलाद ख़रीदना है तो वो अलग से चार्ज लगेगा और सलाद भी उसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और सलाद के नाम पर ये देखे गए हैं हरी मिर्च और नींबू। तो अब खाना खा लेते हैं और उसका टेस्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। मैं वैसे हरी मिर्च नहीं खाती हूँ लेकिन मम्मी ने बोला कि हरी मिर्च में मिर्च ही नहीं है, क्योंकि ये हरी मिर्च बड़ी वाली मिर्च है। और जो ये खाना है वो अच्छा खाना है, अच्छा लगा। तो खाना पीना हमारा हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं श्यामकुंड। तो यहाँ पर लिखा है श्यामकुंड और तो यहाँ लिखा है अपील, जेब कतरों से सावधान रहें, आप कैमरे की नज़र में हो। तो हम लोग श्यामकुंड पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके के कुंड हैं। तो एक तो ये वाला कुंड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और दूसरा वाला कुंड है जहाँ पे पानी है बहुत सारा। तो हम नीचे जा रहे हैं, हमें लगा कि ये वही वाला कुंड है जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं और जो आ रहे थे वो वापस जा रहे थे। और जो नीचे पानी है ये भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है और यहाँ पर हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। तो अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं बाहर दूसरे कुंड में। और यहाँ पर लिखा है श्यामकुंड पे बाहर जाने का रास्ता, तो हमें इस तरफ को जाना है जो हमें दूसरे कुंड में जाना है। और जैसे आपको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ जाना है तो आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं, हम भी पूछ पूछ के ही जा रहे हैं। अच्छा, ये वाला कुंड था क्योंकि जब हम जा रहे थे ना खाटू श्याम मंदिर तो ये रास्ते में ही पड़ा था। हमें लगा कि ये धर्मशाला है क्योंकि यहाँ पर ना कहीं लिखा नहीं था, इसलिए हम आगे निकल गए। तो जब आप अंदर जाओगे तो पैर तो आपके धुलेंगे ही धुलेंगे, तो आप इसमें अपने हाथ भी धो सकते हैं। और जब आप यहाँ से जाओगे तो बहुत आराम से जाना क्योंकि सब जगह पानी ही पानी पड़ा है और पानी भी बहुत ठंडा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे भैया, जैसे ही हम पास में आए ना इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, आपको भी सुनिए सुनिए। तो हम लोग भी जाते हैं नीचे और एक डुबकी लगा कर आते हैं। तो इसमें लड़कों के अलावा और कोई नहीं नहा सकता है क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे, उछाल रहे थे पानी। और ये लोग इस तरह से नहा रहे थे जैसे कि ये कोई स्विमिंग पूल है और यहाँ इन्हें कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। और एक अंकल तो इसके अंदर कपड़े धो रहे थे, उन्हें किसी ने मना तक नहीं किया। मतलब जिसके अंदर ये लोग नहा रहे हैं उसी पानी को इन लोगों ने इतना गंदा कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रखा था, स्मेल तक आ रही थी। यहाँ पे जगह जगह आपको बच्चों के खिलौने भी मिलेंगे, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो ऐसी चीज़ें ज़रूर पकड़ लेंगे। और यहाँ पर सस्ते बिल्कुल भी नहीं है खिलौने, 200 से ऊपर ही आपको सारे खिलौने मिलेंगे, 200, 400, 300। चलो घर चलो, बहुत
इसको खिलौने देखते ही सारे खिलौने मांगने लग गया, कह रहा मुझे एक दो नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए, सारे दे दो। आखिर में जाके इसको ये एक रोबोट पसंद आया, तो इसने रोबोट ले लिया है। और नायरा ने लिया है डॉक्टर सेट, और रोबोट है 150 का और डॉक्टर सेट है 200 का। मतलब कहाँ से ये आपको 150 या 200 रुपये का लग रहा है? आ जाओ इधर लिया। और अब ले लेंगे मोरपंख, और एक मोरपंख के अंदर है 3 मोरपंख, और इसका प्राइस है 30 रुपये। आपको ये मंदिर के अंदर भी नहीं ले जाने देंगे, इसलिए हम जाते हुए ले रहे हैं। और अब अपने लिए और बाकी सब लोगों के लिए प्रसाद ले लेते हैं। अगर आपने किसी को बता दिया कि आप यहाँ जा रहे हो, तो वो इंसान यही कहेगा, अरे वहाँ की तो ये चीज़ बहुत फेमस है, तो मेरे लिए लाना मत भूलना। तो हम यहाँ पर सब लोगों के लिए प्रसाद ले रहे हैं। तो प्रसाद ले लिया है, और नायरा को यहाँ पे एक जूती पसंद आ गई है, तो अब जूती ले लेते हैं। तो नायरा को ये बजने वाली जूती बहुत पसंद आई है, तो नायरा ने ये जूती ले ली है। तो नायरा ने अपना डॉक्टर सेट आते ही खोल लिया है, और वो बन चुकी है डॉक्टर, और मैं हूँ उसकी पेशेंट, तो अब वो मुझे चेक करेगी। ये तो बहुत ही ज़ोर से इंजेक्शन लगा दिया। तो इंजेक्शन लग चुका है, अब डॉक्टर नायरा मेरे दांत चेक करेंगे कि मेरे दांत सही हैं या फिर नहीं। तो मेरे दांत सही नहीं है, तो उन्होंने मेरे दांत निकाल दिए हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:19। तो अभी बज रहे हैं 6:20, मतलब पहले 19 थे, अब 20 हो गए होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया था। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, और मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो चुका है, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ धूप थी। तो बाहर जाके हम कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पैकिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज की ही हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पर हमें और बच्चों को दोनों को ही दिख गई है कॉटन कैंडी, जिसे बोलते हैं गुड़िया के बाल। और सबके जो कलर हैं वो अलग है, लेकिन टेस्ट तो वही सेम होता है। और यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पर आपको मीठी सौंफ मिलेगी, पान की टॉफ़ी मिलेंगी, राजमोला मिलेगी, दही भल्ले का मिक्स का पैकेट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कुछ हल्का सा खाने के लिए, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। तो इतनी बड़ी लिस्ट में इनके पास कुछ भी नहीं था, इनके पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी, एक है डोसा और एक है पाव भाजी। तो हमने जो यही दोनों चीज़ें मंगा लेते हैं। तो पाव भाजी और डोसा का ऑर्डर दे दिया है, बस आता ही होगा। यहाँ पर आप जहाँ भी जाओगे ना, वहाँ पे आपको एक दो चीज़ें जो खानी होंगी ना, वही नहीं मिलेगी, और उसके अलावा सब मिलेगा, लेकिन क्या करें, खाना तो है ही। तो डोसा आ चुका है, और ये देखिए नारियल की चटनी, इसके अंदर राई का बिल्कुल भी तड़का नहीं लगाया हुआ है। और ये है सांभर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतला है, और इमली जैसा बहुत खट्टा भी है। और ये आ चुकी है पाव भाजी। पाव का तो देखो एक ही टेस्ट होता है, जो टेस्ट देती है वो है भाजी। तो भाजी में ना सारे खड़े मसालों का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, जो काली मिर्च पड़ी होती है, तेजपत्ता, जो इन लोगों ने डाल रखा है। तो हमें यहाँ का सिर्फ डोसा ही अच्छा लगा, बाकी का दोनों ही प्लेट में हमने सांभर और नारियल की चटनी छोड़ दी है। और हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ ली हैं, एक तो ये ली है जो ट्रेन में मिलती है ना, ऑरेंज और मछली की गोली, ये जो खट्टी मीठी सी होती है, एक पैकेट हमने ये लिया है, और ये हमें मिला है 40 रुपये का। और इसी के साथ हमने दूसरी चीज़ ली है, वो है मीठी सौंफ, और ये है शाही गुलाब। अगर आपने कभी पान खाया होगा, अगर नहीं भी खाया है ना, तो आप ये खा सकते हैं, इसका जो टेस्ट है बिल्कुल पान जैसा ही है। अपनी हल्की सी भूख को शांत करने के लिए हम थोड़ा बहुत बाहर से खा के आ चुके हैं, जिसमें हमने लिया था डोसा, डोसे के जो सांभर था ना, तो डोसे का जो सांभर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा, जिस तरह से इमली होती है ना, बस उस तरह से वो डोसे का सांभर था। और जो वो पाव भाजी थी, वो ना एकदम सूखा सूखा से लग रहा था, तो जो उसकी पाव भाजी थी वो एकदम सूखी सूखी सी, और उसके अंदर जो काली मिर्च और जो खड़े मसाले होते हैं ना, उसका ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। पर मेन्यू में इतना कुछ लिख रखा था, और जब हमने उससे पूछा ना कि कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगी या फिर छोले भटूरे मिल जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, एक है डोसा और दूसरा है पाव भाजी। तो मतलब इतनी बड़ी लिस्ट में उन्होंने सिर्फ डोसा और पाव भाजी ही रखी थी। और जो डोसा था उसकी जो सांभर थी वो खट्टी थी, लेकिन जो डोसा था वो अच्छा था। और जो हमने दोपहर में कचौड़ी खाई थी ना, मुझे लग रहा था कि कचौड़ी के अंदर आलू होंगे, लेकिन जब वो कचौड़ी आई तो उसके अंदर कड़ी थी, और उसके अंदर भी इतनी मिर्च थी। मैं जब भी कोई गर्म खाना या मिर्च वाला खाना खाती हूँ ना, तो मुझे तुरंत हिचकी आनी शुरू हो जाती,
ऐसे हिचकियारी शुरू हो जाती है। तो एक बाइट खाते ही ना मेरे को हिचकियारी शुरू हो गई और वो मैंने अपना पूरा छोड़ दिया। कचौड़ी के अंदर कड़ी मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने सिर्फ कचौड़ी के अंदर आलू ही देखे थे। आपने मेरे लिए थी शाही गुलाब था शायद से, वो मतलब सौप होती है ना मीठी वाली सौप, वो सौप ली थी। और जो मछली वाली जो ट्रेन में मिलती है वो वाली गोलियां हमने ली थी। लेकिन ये हर चीज के जो रेट है ना एकदम हाई बता रहे थे, बहुत ही लेवल का पार। मतलब जो चीज़ आपको 50 या 100 आप जहाँ रहते हो वहाँ मिल सकती है, लेकिन ये 200-250, 400 बच्चों के खिलौने इतने छोटे छोटे से। तो जो हमारी ट्रेन है वो 10:30 बजे की है, तो हम यहाँ से निकलेंगे 7 बजे, खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे रेलवे स्टेशन। लेट नहीं हो सकते हैं, अगर लेट हो गए ना तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी और दूसरी ट्रेन हमें मिलेगी भी नहीं। वो बोलते हैं ना बस लड़की और ट्रेन एक बार चली जाए ना तो दोबारा मिलती नहीं है, इसलिए हम उसे मिस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने ही टाइम पे खाना खा पी के हम तो ट्रेन के पास जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप यहाँ से फूल माला गुलाब, मैंने बहुत से रील्स में देखा था कि लोग अपने हाथों में फूल माला गुलाब ये सब लेके अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मैंने रील्स में देखा था। तो जब आप यहाँ पे आओगे कब आओगे वो मुझे नहीं पता है, क्या पता तब सिस्टम अलग हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे आई तो मैं आपको अभी का अपडेट दे देती हूँ। आप जो गुलाब फूल माला नारियल या और भी चीज़ें लेना चाहते हैं, इत्र भी, तो जो आप अंदर मंदिर के लेके जाना चाहते हैं वो आप नहीं लेके जा सकते हैं, वो सब आपको बाहर पुलिस वाले जो खड़े हैं, कॉन्स्टेबल वाले खड़े, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, वो सब आपसे ले लेंगे। सिर्फ आपको रहने देंगे प्रसाद। तो उन्होंने भी हमसे फूल माला ले ली, गुलाब ले लिया, और उन्होंने कहा था इत्र की अपने नारियल है तो वो भी दे दो। ये तो कुछ नहीं, हम लोग तो प्रसाद भी ले लेते हैं, प्रसाद भी नहीं चढ़ता है और अंदर चढ़ा भी नहीं था प्रसाद। तो उन्होंने जैसे तैसे कहा कि प्रसाद अभी हम लोगों ने अलाउड कर रखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप हमें दे दीजिए। तो अगर आप जल्दी में ही आते हैं खाटू श्याम तो आप ना ही तो गुलाब लेके आइए ना ही फूल माला लीजिए, क्योंकि फिर वो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। अगर आप 4-5 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद आते हैं तो एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए कि अंदर ले जाना अलाउड है या फिर नहीं है। और आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जो भीड़ थी वो बाहर से आपको दिख रही होगी, लेकिन अंदर कोई भी भीड़ नहीं थी जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो जितनी जल्दी हम गए थे उतनी ही जल्दी हमारे दर्शन भी हो गए थे और अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। और मैं अपनी हर वीडियो में कम से कम अपना फेस दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना मैं जब भी बाहर ब्लॉग बनाती हूँ, वैसे तो मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं कि मैं बाहर ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं जितना मैं ब्लॉग बाहर बना पाती हूँ, और मैं बाहर बोलती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, आवाज़ में बाद में ही डालती हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना तो लोगों को कमेंट पीछे से आता है, अरे ये तो ब्लॉगर है, अरे ये तो यूट्यूब पे डालेंगे। तो ऐसे ही जब हम वैष्णो देवी गए थे, मैंने वैष्णो देवी का ब्लॉग डाला था तब भी वहाँ पे लोगों ने बोला था, और जब मैं यहाँ पे भी वीडियो बना रही थी तब भी लोगों ने बोला है, फिर मैंने फोन रख लिया। इसलिए ना मैं कम से कम अपना चेहरा बाहर दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं अपना चेहरा दिखाने से ज़्यादा ना इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि अगर कल को अगर आप आते हो तो आपको भी यहाँ की हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। बारिश ने क्या कर रखा है वो आप सभी को पता है, सब जगह पानी भरा हुआ है, बाढ़ आ रखी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप खाटू श्याम आ सकते हैं। जैसे आपको निधि वन वृंदावन टीका लगाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े लोग मिलेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी छोटे बच्चे बड़े बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद करेंगे कि टीका लगवा लो। अगर आपसे वो एक टीका लगाने के लिए 10 रुपये या फिर 20 रुपये मांगते हैं तो आप मत देना, क्योंकि 10 रुपये में ना वो 3 से 4 लोगों के लिए लगा देते हैं। और जब आप खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए जाओगे तो आप चप्पल जूते सब घर पे ही रख के जाना, जहाँ पे भी आपने होटल ले रखा है, रूम ले रखा है, धर्मशाला ले रखी है, वहीं पर उतार के ही जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगी उतारने की, उल्टा खो और जाएंगी आपकी चप्पल, तो जिसकी नहीं मिलती है ना तो वो किसी और की पहन के चला जाता है, और जगह जगह ना आपको चप्पल ही चप्पल और दूर दूर तक ना आपको कोने कोने में चप्पल मिलेंगी। इससे अच्छा है ना, कोने से अच्छा लेट होने से अच्छा आपको एग्जिट गेट उतारते हो और एंट्री जो है वो थोड़ा सा दूर जाकर है, इसलिए आप चप्पल जूते घर पे ही उतार के आए, मतलब रूम होटल या फिर धर्मशाला में ही उतार के आए।
बारिश में तो दिल्ली का इतना बुरा हाल कर रखा है ना, सब जगह पानी पानी भरा हुआ है। अब कल मेट्रो नहीं होती ना तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती, क्योंकि हमने जो कैब करी थी वो कैंसिल हो गई और वहाँ से जाना था नई दिल्ली। तो हमने सोचा क्यों ना मेट्रो से ही निकल जाते हैं। तो मेट्रो हम लोगों ने ली है रेड लाइन से चांदनी चौक के लिए, और वहाँ से 2 से 3 मिनट की दूरी में ही ना आपको स्टेशन दिख जाएगा। तो अब बज चुके हैं 7 और अभी भी कितनी रोशनी है, और अभी का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आपको इस मौसम में पंखा चलाने तक की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप खिड़की खोल दो तो। रहे हैं 7:30 और अब हम लोग रवाना हो चुके हैं अपनी ट्रेन के लिए। तो अब स्टेशन जाने के लिए आपको चाहिए बैटरी रिक्शा, करेक्ट है। तो अब मंदिर से 5-10 मिनट की दूरी पर ही ना आपको 1 या 2 ऑटो वाले मिलेंगे गली के पास, क्योंकि उनको लगेगा कि इससे आगे तो और कोई ऑटो मिलेगा ही नहीं इन्हें, और सामान भी इनके पास काफ़ी सारा है तो वो 200-250 एकदम ऐसे रेट मांगेंगे। तो वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही ना आपको इस तरह से रोड चलता हुआ मिल जाएगा, और 1 से 1 आपको ऑटो यहाँ पर मिलेगा। और इस ऑटो वाले ने हमसे लिए हैं 100 रुपये, जहाँ से हम बैठे थे ना बस इसे हमें वहीं पे छोड़ना है जहाँ लिखा है श्री श्याम शरणम। और यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वो सिर्फ 10 मिनट की ही है, लेकिन कुछ लोग आलस के मारे चलते नहीं है जैसे हम लोग हैं, और कुछ लोग यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं। अगर आप पैदल जाओगे तो आपको पैदल में 20 मिनट लगेगा, शायद 25 भी लग सकता है। अब वो आपके चलने के ऊपर है कि आप किस तरह से चल रहे हो। तो जो हमें स्टेशन के पास छोड़ेगी वो गाड़ी हमें यहीं पर खड़ी हुई मिली है, और यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी मिलेंगी। इसी के साथ आपको यहाँ पे बस भी मिलेगी, ये हमें स्टेशन के पास नहीं छोड़ेगी, मतलब स्टेशन से 15 से 20 मिनट की दूरी पर छोड़ेगी, वहाँ से आपको पैदल जाना है। और ये भी 1 जने के 50 रुपये ले रहे हैं, और कुछ कुछ लोग ना 1 जने के 40 रुपये ले रहे हैं, तो आपको करना होगा ऊपर नीचे, लेकिन ये 50 ही ले रहे हैं। अब हमारी जो कार है वो चल चुकी है, और यहाँ पर भी कितनी भीड़ है लोगों की, और लोगों के हाथ में श्याम बाबा का झंडा भी है। और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ढोल बज रहे हैं, और जो मौसम है ना ओहो वो तो पूछिए ही मत कि वो कितना अच्छा हो रखा है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, आंधी आने वाली है और शायद बारिश भी आने वाली है, और बिजली भी धीरे धीरे कड़क रही है, तो हमारी भी जो गाड़ी है वो भी चलने ही वाली है बस। बूंदे पड़नी शुरू हो चुकी हैं, और ये बात ना दीदी ने दोपहर में ही बता दी थी, क्योंकि उनके फ़ोन में एप्लीकेशन है जो उन्हें पहले ही बता देती है कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पे बूंदे पड़ रही हैं, बिजली कड़क रही हैं, वैसे ही इनके फ़ोन में भी हो रहा है। तो इस चीज़ का वॉलपेपर मैं अपने फ़ोन में भी लगा कर रखूँगी। और तो जब फ़ोन में बारिश हो रही थी तब यहाँ पे भी हो रही थी, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी, और जैसे ही फ़ोन में नहीं हो रही है वैसे ही यहाँ पे भी जो बूंदें पड़ रही थी वो भी नहीं पड़ रही हैं, बंद हो चुकी है। और यहाँ पर भाभी इमोशनल हो गई हैं, क्योंकि भाभी खाटू श्याम को ज़्यादा मानती हैं। तो जब इस तरह के का मॉल बन जाता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगने लग जाता है, और टाइम का भी नहीं पता होता है कि कितने बज रहे हैं। तो ये इससे आगे नहीं जाएंगे, बल्कि ये ही नहीं कोई भी नहीं जाएगा, अब यहाँ से हमें पैदल ही जाना है। लेकिन स्टेशन जाने से पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, तो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे माजा। हम लोगों ने इनसे पूछा पिज़्ज़ा है, तो उन्होंने कहा कि बेस ख़त्म हो गया। फिर हमने पूछा मोमोज है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मोमोज 5 बजे तक ही मिलते हैं। और ये है यहाँ का मेन्यू, तो मेन्यू आप भी देख लीजिए, मैं भी देख लेती हूँ। तो जब इन्होंने कहा कि ये नहीं है वो नहीं है, तो हम लोगों ने चाउमीन ऑर्डर कर दिया है, और कुछ मीठा खाने के लिए भी ऑर्डर कर दिया है, और जो खाना है वो हम पैक करा लेंगे और ट्रेन में खाएंगे। जल्दी से खा लेते हैं और चलते हैं अपनी ट्रेन के पास। तो हमने जो चाउमीन ऑर्डर करी थी ना, ये देखिए ये आ चुकी है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आ रहा है ना वो लहसुन का आ रहा है। इन्होंने लहसुन को ठीक से भूना भी नहीं था, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे साबुत ही डाल दिया है। और अब आ चुका है मीठा, मैंने तो अपने लिए मंगाई है रस मलाई, क्योंकि मिठाई तो मुझे सारी ही पसंद है, और गुलाब जामुन है और ये है रसगुल्ले। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, तो अब चलते हैं ट्रेन की तरफ। और ये ना बाहर से ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर खाना ट्राई कर सकते हैं। ये तो हम लोग पहुँच चुके हैं रिंगस।
हमारी ट्रेन का जो टाइम है वो है 10:30 बजे और हम आधा घंटा पहले ही आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, काफ़ी भीड़ है, तो जब तक ट्रेन नहीं आती है हमें भी यहीं पे वेट करना है। तो अब हम यहीं पे ट्रेन का वेट करेंगे। तो सब लोग ना यहाँ पे चद्दर बिछा बिछा के बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो यहाँ से ट्रेनें जाती हैं और कौन कौन सी जाती हैं, मैं भी देखूँगी और आप भी देखना। तो इस ट्रेन में जा रहा है पेट्रोल और ये कहाँ जा रहा है वो मुझे नहीं पता है, बस जा रहा है। और यहाँ पे ना बहुत तेज़ आवाज़ आई थी एकदम, तो जब तक आवाज़ आई थी तब तक मेरा कैमरा बंद था। तो एक जा चुकी है, अब ये दूसरी जा रही है। और यहाँ पर कोई भी दूसरी तरफ जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, थोड़ी दूरी से नहीं जाना चाहता। ये देखिए, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, यहाँ तक कि ये आंटी को भी देखिए, एकदम बेफिक्र बीच में ट्रेन की पटरियों के होते हुए दूसरी साइड आ रही हैं और पीछे से उनके एक आंटी और आ रही हैं। तो अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और जैसे ही हम ट्रेन में बैठे ना वैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हो गई। अगर हम 10 सेकंड भी लेट हो जाते ना बैठने में तो हमारी ट्रेन जाने ही वाली थी। तो हमने खाना पैक करा लिया था, तो हमने ली है रोटी, अरहर की दाल तड़के वाली, और ये है सलाद और इसके अंदर है मीठा, और ये देखिए दाल है तो काफ़ी गाढ़ी, लेकिन ये अरहर की दाल कहीं से भी नहीं लग रही है। एकदम ना दाल को पीस दिया है। और ये रोटी देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट होता है ना, मतलब आप एक खा लो, दो खा लो, तीन खा लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने रोटी खाई। बहुत ही ज़्यादा हल्की है और इन रोटियों के अंदर मैदा भी मिक्स है। तो मेरा खाना तो हो चुका है और खाना खाने के बाद मीठा खाना तो बहुत ही पसंद है। तो टीटी भी आ चुके हैं जो हमारी टिकट चेक कर रहे हैं, और ये है छेना टोस्ट। तो गुड नाइट, अब आपसे मिलेंगे सुबह। तो गुड मॉर्निंग दिल्ली। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:55 और कितनी ज़्यादा ही सुबह लग रही है। और अगर हम घर में होते ना तो अभी भी सो रहे होते, और यहाँ पे देखिए सभी लोग उठे हुए हैं। तो दिल्ली आ चुका है, तो अब अपने बैग निकाल लेते हैं। और वहाँ से हम लोगों ने फिर से मेट्रो ली है और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है आगे की साइड को ही, तो फिर भी पीछे को है क्योंकि ये रोड ना थोड़ा सा ऊँचा है। और स्टेशन के बाहर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खड़ी हुई थी, जैसे ऑटो रिक्शा सब खड़े हुए थे, लेकिन मेट्रो से ज़्यादा सेफ लगा। और ये देखिए कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ है, और ये देखिए इसमें तो आधा गेट डूब चुका है और जो मशीनें हैं वो भी डूब चुकी हैं। और ये देखिए कितना कितना पानी भरा हुआ है, ये मैंने आप पहली बार देखा है जब से पानी भरा हुआ है। और इसके आगे जाके आप देखोगे तो वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, सब सूखा हुआ है। और सुबह 7 बजे घर पे आ चुके थे और अब शाम हो चुकी है, हमने थोड़ा बहुत आराम कर लिया है। अब हमने जो जो प्रसाद लिए हैं वो सबके घर में बांटने जा रहे हैं, और सभी में हमने पेड़े ही लिए हैं और इसी के साथ हमने चूरा भी लिया है जो सबसे मेन प्रसाद है। तो मैं जा रही हूँ सबके यहाँ पे बांटने के लिए। और ये हमने लिया है मोर पंख, और पास से देखने में ये मोर पंख कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर कितना प्यारा है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग, ये इन्फॉर्मेशन, ये सब कैसा लगा। ज़्यादा से शेयर करना ताकि अगर कल को कोई खाटू श्याम आता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, इसकी जानकारी उसे इस वीडियो से मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मैं आपको मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।